प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लोगों को मिल रहे अनाज को लेकर कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से सोशल ऑडिट की जाएगी और खाद्य सुरक्षा योजना में लोगों को हो रही परेशानी से सरकार को अवगत कराएंगे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अमित पुनिया ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना में कमियों को दूर करने के प्रयास करेंगे और लोगों की समस्याओं को सरकार के संज्ञान में लाएंगे। इसके आधार पर सरकार कर्मियों को दूर करने के प्रयास करेगी। आपको बता दें कि सभी जिला स्तर पर कांग्रेस राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के पदाधिकारी सोशल ऑडिट करेंगे और राजस्थान सरकार और AICC को रिपोर्ट देंगे। साथ ही मनरेगा के तहत पंचायती राज संगठन की ओर से जरूरतमंद लोगों को काम दिलाने की कोशिश भी करेंगे। वर्तमान में जो कोरोना की महामारी चली है उसके बाद की जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों के अंदर जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, नीचे के धरातल के लोग हैं, उनको सरकार की योजनाओं का सही और अधिकतम लाभ मिलना चाहिए। ये हमारा और कांग्रेस पार्टी का शुरू से उद्देश्य रहा है। इसी के तहत हमारा राजीव गांधी पंचायती राज संगठन राजस्थान के अंदर दिल्ली के निर्देश के ऊपर, हमारा जो पंचायती राज संगठन का शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, उनके निर्देशों के अधीन हम यहाँ राजस्थान के अंदर एक तो मनरेगा में काम मांगो अभियान को हम गति देंगे, जिसके माध्यम से ज़्यादा लोगों को हम मनरेगा के अंदर जोड़ेंगे और मनरेगा में कहाँ किस स्तर के ऊपर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको काम नहीं मिल रहा है या कहीं ना कहीं वो कहीं उस हक को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उसकी हम सोशल ऑडिट करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, PDS स्कीम, उस PDS स्कीम का हम सोशल ऑडिट करना आज से